滚着来。看到没？完了，看到没？完了，抽干你。看到两个。那喂，看到没？看到没？哎，那。हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, अभी जो थोड़ी देर पहले जो छप्पर है हमारा, जहाँ पे आपको मैंने पहले दिखाया था कि जो सांप है वो निकला है, तो वहीं पे एक बार दोबारा से जो सांप है वो दिखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पीछे जो आपको ये छप्पर दिख रहा है जिसमें पहले भी जो सांप है वो दिखा था, इसके अंदर दोबारा से अभी थोड़ी देर पहले सांप देखा गया है। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे अंदर जो है जो हमारे भाभी जी है वो आए थे और उन्होंने क्या है, यहाँ पे निशान देखे कुछ जो नीचे, क्योंकि बालू रेत है तो इस बालू रेत के नीचे निशान देखे उन्होंने, और निशान देखने के बाद उन्होंने चारों तरफ देखा तो सामने जो आपको यहाँ पे कुछ पाइप पड़े हुए दिख रहे हैं उसके अंदर जो है वो सांप बैठा था। तो उसके अंदर क्या एक पाइप है छोटा सा जिसके अंदर वो चला गया है। तो अभी जो सांप पकड़ने के लिए हमारे एक भाई साहब हैं जो कि मार्केट में है, अभी उनको कॉल किया, जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैं मार्केट से लेके आया हूँ। तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जो पोली हाउस है, पोली हाउस के अंदर बैठ कर हम वो देखेंगे। दोस्तों, आज जो भैंस है बिल्कुल शांत बैठी है, लास्ट एक वीडियो में ये मुझसे गुस्सा थी लेकिन आप बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोगों ने पूछा भी था कि भैंस जो है वो मुझसे नाराज क्यों है। एक्चुअली वो नाराज इसलिए है कि मैं मेरी सिस्टर के यहाँ से उसको मैं लेके आया था, दूसरा उसको मैं मेरे हाथ में जो सेल्फी स्टिक है वो देखी उसने, तो उसको लगा कि मैं उसे मारने आया हूँ, इसलिए वो डर गई थी। चलिए पहले मैं आपको यहाँ का मौसम देख सकता हूँ। दोस्तों, पीछे बादल देखिए, देखिए मेरे पास एक पहले जो हेडफोन था वो मेरा ख़राब हो गया था, उसके बाद एक दूसरा हेडफोन जो मेरी शॉप पे था वो हेडफोन मैं लेके आया लेकिन वो भी ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने कुछ दिन, अब 15-20 दिन तक मैं जो है मैंने वो जो हमारी जो ईयरफोन है जो कि मैंने लाइव में भी आपको दिखाया था वो मैंने यूज़ की है, लेकिन ईयरफोन की जो वायर वो छोटी थी तो मैं रिलैक्स होकर नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हेडफोन लिया जाए। तो आज मैं मार्केट से एक हेडफोन लेके आया हूँ जो आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए जो पहले मेरे पास जो हेडफोन था वो ये था जिसकी जो वायर है वो काफी छोटी थी, ये चाइनीज है जो मेरी शॉप पे पड़ा हुआ था, तो ये हेडफोन की वायर भी छोटी थी, तो मुझे काफी, जैसे मैं पीसी पे काम करता था तो पीसी के बिल्कुल नजदीक होके मुझे काम करना पड़ता था। और फिर मैं कल मार्केट से लेके आया हूँ ये हेडफोन, ये देखिए जेब्रोनिक्स का है, इसका मॉडल नंबर यहाँ पे है। आपको ये बाय करना है तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, मैं ये शॉप से लेके आया हूँ और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है तो मैंने ये ले लिया। चलिए इसको खोल कर देखते हैं कैसा है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ऋतिक रोशन की फोटो है और यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है, हेडफोन के बारे में, इसके बारे में डिटेल जो है। चलिए अब हेडफोन निकालते हैं। इसके बाद ये वायर देखिए, इसकी जो वायर है मुझे काफी अच्छी लगी, काफी बड़ी वायर है, पैकिंग काफी अच्छी थी इसकी। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये चीज देखिए काफी नरम है, जो कि काफी देर में एडिटिंग करता हूँ तो कानों में पेन ना हो, इसमें भी था लेकिन इसका जो है काफी, ये देखिए काफी हल्का था क्योंकि ये मेरे शॉप पे पड़ा हुआ था पहले का, ये शायद मोबाइल वाली लाइन का है और ये जो है ये पीसी वाली लाइन का है, ये पीसी के लिए है। इसमें जो है जो माइक है वो नहीं था, इसके अंदर माइक है। देखिए, अगर मुझे वीडियो चैट वगैरह करनी हो या फेसबुक पे ऑडियो कॉल करनी हो तो वो हम कर सकते हैं इससे। और इसकी वायर और उसकी वायर में देखते हैं कितना जो है, कितनी बड़ी है ये वायर उससे। ये देखिए दोस्तों, इन दोनों को हम नापते हैं। ये देखिए, इसकी वायर जो है यहीं पे खत्म हो जाती है और इसकी वायर इसके बाद देखिए कितनी बड़ी और है, तो ये मुझे काफी है। तो अब से जो मैं एडिटिंग है वो इससे करूंगा और इससे काफी अच्छे से जो मैं एडिटिंग है जो इससे काफी अच्छे से एडिटिंग हो पाएगी। ये देखिए, लगाने में भी काफी कंफर्टेबल है, यहाँ से अगर हम ऐसे लगाएंगे तो बाहर की आवाज सुननी बंद हो जाती है, बिल्कुल रिलैक्स और साफ आवाज आएगी। अगर चैटिंग वगैरह करनी है तो इसको हम इस तरह से आगे करके इससे चैट कर सकते हैं, ये शायद ये ऐसे आएगा, तो इससे देखिए
इस तरह से हम बात कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो मुझे कुछ ऑडियो वगैरह तो वो भी मैं रिकॉर्ड कर सकूंगा इससे, तो अब एडिटिंग करने में थोड़ा मजा आएगा। पहले मैं काफी परेशान हो रहा था पुराने उससे दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे ये चीज कोई दिखानी थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भी मैं जब नया लेके आऊंगा अब, क्योंकि हमारा जो चैनल है इस पे हम सभी फैमिली मेंबर की तरह हैं, तो जब भी मैं कोई नई चीज लेके आऊंगा हमारे चैनल से रिलेटेड, यानी कि चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं फर्स्ट चीज जो है ये अभी यही लेके आऊँ। अभी हमारी नेक्स्ट जो चीज है वो कैमरा है, तो जैसे कैमरा आएगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी कैमरा आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं जो पुराना हेडफोन है इसको भी रखूंगा, मैं जितने भी पुरानी चीजें मेरी होगी वो सभी मैं फेंकूंगा नहीं, उनको भी रखूंगा कलेक्शन के लिए, क्योंकि उन्हीं से हमने स्टार्टिंग की थी, तो वो चीजें एक यादगार चीजें बन जाती है, तो उनको हम रखेंगे संभाल के। तो मैं इस हेडफोन को भी रखूंगा और बाकी जो भी मेरे पुराना, जैसे मेरा जो कैमरा है छोटे वाला उसको भी मैंने रखा हुआ है, तो वो भी मैं रखूंगा साथ में। और दोस्तों अगर सांप आज मिल गया तो उस सांप को आज हम पकड़ कर जो है जंगल में छोड़ देंगे, ताकि वो किसी को काटे ना, क्योंकि मेरे कजन के रूम में चला गया था वो, और दो बार जो है मेरे घर के जो आंगन है उस आंगन में देखा गया था। तो आज हमने सोचा कि अगर वो हाथ लग जाता है तो इसलिए हमने उनको बुलाया, उनको सांप पकड़ने का थोड़ा सा तजुर्बा है तो वो पकड़ लेंगे इजिली, तो इसलिए हमने उनको बुलाया है। तो चलिए सांप को पकड़ते हैं। मुझे वैसे लाइव भी आना है क्योंकि 6 बजे का टाइम है लाइव का, तो मुझे लाइव जाना है, तो शायद मैं उसको जंगल तक उसके साथ नहीं जाऊंगा अगर पकड़ लिया तो। वो दोस्तों तो वो आ गए हैं और अभी जो सांप है वो पकड़ेंगे यहाँ पे, ये देखिए छप्पर में पाइप में सांप बद है, कट्टो तो ये वो देखिए दूर से वांगड़ पकड़ा रहे, देखिए मैं कह रहा हूँ हमारा डर जाता ही हो रहे हैं ये परला पाइप में, मैं तो पाइप ही लगाया तूने कहे परला में, परला में ले भाई खट्टो ले आऊंगे बैठो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।